गुलाबी शरारा अब जो है हमारे इस YouTube चैनल पे वापस आना मुश्किल है, और क्योंकि किसने किया, उसमें क्यों जो है किया, किसी किसके कंपनी के लगाया द्वारा गया है, तो सब उसने उसके बारे में किया बात है, होगी। और म्यूजिक कौन करवा करवा रहा रहा है, है, ये गाना कॉपीराइट तो किसको स्ट्राइक बात दिया होगी, गया है, और और वो गाना जो है यूट्यूब से रिमूव किया गया है और उसको जो है यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। तो आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें। सभी दोस्तों को, मैं हूँ आपका दोस्तों, बात ऐसी है कि भी कहीं किसी का म्यूजिक या किसी का कंटेंट आप लोग ले रहे हैं तो सोच समझ के लेना, क्योंकि हो सके कल आपके साथ वैसा हो सके। क्योंकि इसमें एक गाने का डिलीट होने का मतलब नहीं है, बल्कि इसमें यह है कि ये उड़ा दिया जा सकता है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो हैं, जो भी कंटेंट बनाएं अपना बनाएं रियल, और किसी का कंटेंट ना बनाएं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ओरिजिनल कंटेंट पे ध्यान दें और अपना कंटेंट बनाएं, ना कि दूसरा आपको स्टाइल दे सकता है, आपका चैनल भी उड़ सकता है। तो इससे पहले आप लोग जरूर परमिशन लें कि हम आपका गाना डाल रहे हैं, आपका म्यूजिक ले रहे हैं, ताकि आप लोगों के चैनल पे कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए मैं ये बताना बहुत जरूरी सोचा, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है YouTube की गाइडलाइंस क्या होती हैं, कई शर्तें होती हैं कि एक YouTube चलाना कितना मुश्किल होता है। मैं खुद इस YouTube पे काम कर रहा हूँ, मुझे जो है 8 9 साल हो गए इस YouTube चैनल पे काम करते हुए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसा गलती ना करें जैसे कि हमारे इंद्र आर्य भाई जी के साथ में हुआ। बहुत दुख हुआ सुन के, 140 मिलियन जिसके व्यूज़ गए हैं और पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो है तहलका मचा दिया उसकी, जो है इतने रील्स बने कि लोगों ने जो है उस गाना को बहुत पसंद किया। तो किसी ने उस पर अपील की है तब जाके ये गाना जो है रिमूव हुआ, नहीं तो ऐसे कोई नहीं होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यूट्यूब में जो है जब तक कोई अपील नहीं करेगा कि यह मेरा कंटेंट है और ये मेरा, ये इस गाने का जो मेरा म्यूजिक है, तब जाके गाना जो उसका डिलीट किया गया है, नहीं तो अन्यथा कोई नहीं करता है। और ये जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया है क्योंकि गाना जो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था और हिट हो चुका था। और बड़ा दुख के साथ जो कहना पड़ रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पता है ना कि थोड़ा लोग जो है देखते हैं, जो कुछ ज़्यादा आदमी उठना शुरू करता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है कि नहीं है। तो आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कंटेंट पे ध्यान दें अपना। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं गांव में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो है ओरिजिनल कंटेंट अपना बनाओ और किसी का जो है गाना मत दो। तो आप लोग जो है भले आप परमिशन ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, मेल करिए कि मुझे गाना चाहिए आपका, मैं गाना लेना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं अपना। यूट्यूब के भी गाइडलाइन होती हैं जिससे कि वो कुछ ज़्यादा एक भड़काव वाला कई चीज़ें होती हैं यूट्यूब की गाइडलाइन। आपको लोग देखना, सोचना, पकड़ना, समझना चीज़ें, तो आप लोग आप जो है यूट्यूब पे काम करें तो अच्छा से करें, बढ़िया करें, ये ना हो कि कल आप लोगों को रोना पड़े। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स आप करें, जरूर करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, मैं जरूर बताऊँगा आप लोगों को। तो बने रहें वीडियो।